वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो डिशन आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 में किस तरह से आपके जो अभी एग्जाम होने वाले हैं 21 मई को, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 21 मार्च एग्जाम में, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आज मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पे आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो गाइस, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा 100% आपके एग्जाम के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से अगर सभी सेट को अगर कर लेते हैं तो आपसे पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले हैं। अभी जो मैं करवाने वाला हूँ ये आपका सेट नंबर 1। इसी तरह से आपको 5 सेट मिलेंगे, यानी एक सेट में अगर आप मान लेते 40 क्वेश्चन मिले जाए तो 5 सेट में आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इन 200 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो टर्म 1 है उसमें 40 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 35 प्लस जो डिस्टेंस इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा, अगर इस 200 क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो 35 पर जो नंबर है इसमें अधिक से अधिक मार्क्स आएंगे, 35 प्लस आपका मार्क्स आ जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन, आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को पांचों मॉडल से करवाइए तो आप लोग बिल्कुल टेंशन, आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ उस कैंडिडेट जिस वीडियो को सेंड करेंगे 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। सो गाइस, हम लोग बिना देर के क्वेश्चन के मूव करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको चाहते हैं कि बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से हमारे ऐप के माध्यम से अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन के मूव करते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा झारखंड से रिलेटेड होंगे, यानी वायरल जो है ये वायरल मॉडल पे सेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जयपुर की तरफ से इस तरह से आपके पेपर में आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे, किसी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा पहला, अगर कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पहले से ही पता है तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने, नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर और आपको ऑप्शन भी बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप जो डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 1, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 2 पे। तो बिना देखे हम लोग क्वेश्चन के मूव करते हैं और अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है सेट नंबर 1 रिलेशन यहां पे। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, जो संविधान सभा है उसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो संविधान का अस्थायी अध्यक्ष हम लोग चुने थे किसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर सचिनंद, याद रखिएगा सचिनंद सिन्हा, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अस्थायी अध्यक्ष कहा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष कहा जाए तो डॉक्टर, याद रखिएगा डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपको चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट जो आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए उन सबको प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि आपके पिज्जा में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ था, सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को इसमें आपको दिखा जाएंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन। 1942 कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किए गए थे, याद रखिएगा मुंबई में, कहां पे, मुंबई, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन नेक्स्ट आपको बताना है कब हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो 1942 में, कब हुई थी 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी, जो महात्मा गांधी है उसकी हत्या आपको बताना है कब हुई थी, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, कब हुई थी 30 जनवरी 1948। सो वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हमारे पूरे टेक्निकल टीम ताकि आप लोग अच्छे आप लोगों तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पहुंचा पाए जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारंभ समिति के जो अध्यक्ष हुआ है कौन, भीमराव अम्बेडकर, कौन थे प्रारंभ समिति का अध्यक्ष, भीमराव अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना कब हुई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कब, 1206 में, याद रखिएगा 1206 में इसका ऑप्शन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य अगला क्वेश्चन की ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ताजमहल जो है वो आपको बताना है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल आपको सबको पता होना चाहिए जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, जो अंगुत्तर निकाय है किसका धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का, किसका ग्रंथ है, बौद्ध का, इजी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में, हम लोग फटाफट देखते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आप सबको पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है
वो आपके एग्जाम जो है देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका एग्जाम जो है 21 मार्च को होने वाला है, जहां पे आपको ऑडिशन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर आपको देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर बिलीव है, मैं सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव की बात आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्टिव का जो जो पांच पांच मॉडल सेट हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा अभी जस्ट सेट किए गए हैं, अगर ये पांचों मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो चैलेंज करता हूँ कि आपका जो 40 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं टर्म 1 में, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैलेंज करते हैं कि 35 प्लस क्वेश्चन हमारे पांचों मॉडल सेट से ही होंगे। पर जब भी वीडियो को देखिए आप बिना स्किप के देखिए, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट में नोट करवाता रहता हूँ। तो चलिए डिस्ट्रेन हम लोग बिना देर के अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो था हम लोग का क्वेश्चन है फोर्ट विलियम शहर कहाँ स्थित है, जो फोर्ट विलियम शहर है वो कहाँ पे स्थित होगी, याद रखिएगा कोलकाता में, कहाँ पे कोलकाता, ऑप्शन नंबर आपका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में कब हुई थी, 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, फतेहपुर सिकरी में, कहाँ पे स्थित है याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी। सो गाइस आप लोग को अपना आपका मम्मी पापा इतना कष्ट से पढ़ा रहे हैं, आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से रिजल्ट, आप लोग आपके मम्मी पापा रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि मेरे लड़का दूसरों के लड़का से अच्छे मार्क्स लाए, तो बिल्कुल डेफिनेट आप लोगों के माता पिता की जो आशा लगाकर आस लगाकर आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए डेफिनेट इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग उनके आस को अच्छे ढंग से डेफिनेट जो उम्मीद है उसकी उम्मीद से भी बढ़कर आप लोगों को मार्क्स लाना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्ट्रगल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और याद रखिए टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव में कोई भी सब्जेक्ट का आर्ट्स से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो आपके पेपर और लाइफ में छपने वाला है। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, किसने करवाया था, शाहजहां, ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई है इसका जन्म कहाँ हुई थी, काशी में, कहाँ पे हुई थी, काशी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पेपर में इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे रेशन क्वेश्चन कि किस तरह से हमारे पेपर वैरायटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम था पाउंटन, क्या नाम थे, पाउंटन। मैं इसलिए स्पीड टेस्ट आप लोग क्विक रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, जो मुंडा विद्रोह है इसका नेता आपको बताने क्या है, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा, मुंडा ने जो मुंडा विद्रोह है उसका नेता जो थे वो क्या है, बिरसा मुंडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन कि पद्मा शाह के लेखक कौन है, पद्मा शाह जो लेखक है उसको बताना है कि पद्म शाह का लेखक कौन होंगे, याद रखिएगा पद्म शाह का जो लेखक होगा वो अब्दुल हमीद लाहौरी, कौन हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था, तो किसका अधिकार था, सम्राट का, किसका अधिकार था क्वेश्चन, सम्राट, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, जो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे आपको बताना है कि बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे, चैतन्य महाप्रभु कौन थे, चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन 37 है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, जो बीजक है इसमें किसका उपदेश संग्रहित, तो कबीर का, किसका उपदेश संग्रहित, कबीर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं 45, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, प्रथम उपदेश क्या है, याद रखिएगा बौद्ध का जो संस्थापक है यानी गौतम बुद्ध उसका प्रथम जो धर्मचक्र परिवर्तन है वो प्रथम उपदेश था, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की किस नदी के किनारे प्राप्त हुई थी, जो गौतम बुद्ध है उसके ज्ञान की प्राप्ति जो है वो किस नदी के किनारे हुई थी, उस नदी का नाम बताना है, याद रखिएगा निरंजना नदी, क्या नाम था, निरंजना नदी, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या थे, तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, क्या नाम थे, सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49,
द्रौपदी किसकी पत्नी थी, जो द्रौपदी है वो किसकी पत्नी थी, अर्जुन, भीम, नकुल यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन 51 कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। जो महाभारत का युद्ध है आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायांग किसके किस शासक के शासन काल में भारत आए थे। चीनी यात्री जो फायांग थे वह किसके शासन काल में भारत आए थे, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, तूजू के बाबरी किसने लिखी थी। तूजू के बाबरी जो है वो एक पुस्तक का नाम है, यानी इसका आत्मकथा है, आपको भी वो भी बताना है इसकी आत्मकथा है। तो तूजू के बाबरी का जो राइटर थे वो है बाबरी, कौन थे राइटर, याद रखिएगा बाबर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आते हैं कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। जो मेगास्थनीज थे जिस वो किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा सती प्रथा का जो उल्लेख मिलने वाला है वह है एरन अभिलेख। क्या हो जाएगा? एरन अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 57, वर्णभट की रचना कादंबरी में किस शासन काल का वर्णन है। जो वर्णभट है आपको ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में रहेगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो वर्णभट है की रचना कादंबरी में किस 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 शासन काल का बारे में वर्णन किया गया है। तो हर्षवर्धन, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता जो थे उसमें से आपको बताना है किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, याद रखिएगा चीनी का। किसका हो जाएगा? चीनी। ऑप्शन नंबर बी डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे आपको बताना है कि इसमें से सिंधु जातियों का प्रमुख देवता कौन है। इसका आंसर मैं जो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बंदा इसका आंसर करेक्ट बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा कि सिंधु सभ्यता जो थे उसमें सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जो थे वो क्या थे, इंद्र, विष्णु, पशुपति, महादेव या गणेश। आपको इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपको बताना है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तब सबको पता है मृतकों का टीला के रूप में हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो, जिसे हम लोग कब्र स्थान भी कहते हैं, कब्रगाह भी बोलते हैं या शमशान घाट भी बोलते हैं। सो गाइस यहां पे जो हम लोग डिस्कस किए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, याद रखिएगा 21 मार्च को अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा कि अगर आपका एग्जाम होने वाला है 21 मार्च को तो आपके पेपर में जो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं विद पीडीएफ के साथ, तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। 5 जो मॉडल से आपको एग्जाम से पहले करवाए जा रहे हैं, आप इस मॉडल से जरूर कर ले। मैं चैलेंज करता हूँ इस बार आपके पेपर में नहीं पूछे जाने वाले। तो एक बस आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि अभी जो हम लोग सेट 1 डिस्कस किए इसके बाद आपको मिलने वाला है सेट 2। आप चाहते हैं कि हम लोगों को इसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर अंक लाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।